पुनर्विवाह है। मुझे पता है काजल का खून किसने किया है। आप मुझे बताइए काजल को किसने मारा है? बोली ना आप चुपके। आपने मारा है ना काजल को? क्यों मार क्यों? आप असली कातिल, आप असली गुनेगार, क्यों मारा आपने उसे? बोलिए मां क्यों मारा आपने उसे? बहू तू अपनी हद पार कर रही है। मां मैं कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ गवाही दूंगी। मैं बताऊंगी उनको कि सच क्या है। मैं सबूत बनूंगी उन दोनों के लिए। एक तरफ तेरा पति और ससुराल है और दूसरी तरफ सरिता। किसका साथ देगी और किसे बचाएगी छपकली? राज तेरी बुद्धि खराब होगी या तुझे अकल नहीं है? बहू को इतनी रात को बाहर क्यों जाने दिया? चिल्ला क्यों रही है इतना? अरे सरिता से तो मिलने गई है पुलिस स्टेशन। इतनी चिंता क्यों कर रही है? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। पुलिस को क्यों साथ में लाई है बहू? बाबू जी मैं पुलिस को इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि असली खूनी कौन है। ये क्या कह रही हो तुम दिव्या? कातिल इस घर में? कैसी बात कर रही है बहू? हाँ बाबूजी मैं सच कह रही हूं, खूनी यही है इसी घर में और हम में से कोई एक है। क्या कह रही हो दिव्या? खूनी हम में से कोई है? अरे कौन है? मां मां आप इतना बेहुदा इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम जानती हो मां सरिता जी को बेटी समान मानती है। और हाँ राज तुम भी गलत फहमी में थे और हम सब भी गलत फहमी में थे। मां ने ही काजल का खून किया है। यहां तक सबूत मिटाने की भी कोशिश की, सरिता पर इल्जाम लगने के बाद भी ये खामोश रही और हाँ मेरा भी मुंह बंद करने की कोशिश की। और आप लोगों को सबूत चाहिए ना, ये रहा सबूत। ये वही चिप है जिसमें अभिमान ने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा असली खूनी कौन है। ये सच है क्योंकि ये सबूत मैंने भी देखा, इसीलिए हम कमला जी को गिरफ्तार करने आए। राज गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, ले चलो। नहीं नहीं मुझे मत पकड़ो, नहीं छोड़ो मुझे, कुछ नहीं किया मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे परिवार के सामने मेरा अपमान किया। दिव्या तू यहां इस वक्त? कुछ कहना था, परेशान लग रही हो तुम, बोलो ना दिव्या बात क्या है? मैंने कुछ कहा ही नहीं तुमसे और तुम बिना पढ़े सब कुछ समझ गई। अगर हमारे सामने कभी ऐसा वक्त आ जाए जब हमें परिवार और सच दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो हमें क्या करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए, परिवार या सच का? और अगर अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने परिवार के उस सदस्य का साथ देती, क्योंकि हम परिवार के लिए जो कुछ भी करते हैं प्यार की खातिर करते हैं। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। मन में एक दुविधा थी, तुमसे बात की उत्तर तो मिल गया लेकिन उस दुविधा का हल नहीं मिला। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना।